told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Oh, kya baat hai. लगता है आज की रात बड़ी हसीन होने वाली है मेरी। दाम बोल। शक्ल देखी अपनी? और तुझे क्या लगता है, तुझ जैसे के साथ जाऊंगी क्या? चल चल चल, किसी और को ले जा। क्यों, क्या खराबी है मेरी शक्ल में? और तू शक्ल देख के करती है या पैसा? अबे तुझे समझ नहीं आ रहा है कि नहीं जाना तेरे साथ? बंदे के टाइम में बीच में टाइम खोटी मत कर, जा जा जा। तुझ जैसी दो कौड़ी की लड़की मुझे मना करेगी क्या? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं जाएगी तू। चल अपने हाथ छोड़। बोल दिया ना मत कर ड्रामा, अभी पुलिस को बुला लूंगी, पूरी रात भर जो करना है करते रही हो। साली कुतिया। थोड़ा ठहरो, हम ना है राजी, तेरे साथ पल बिताए है ना काफी। अब मुझसे पूछो क्या जिंदगी है, जिस पे जीने की वजह भी है ना बाकी। अब इस सफर में तू है ना साथी, क्या करेंगे फिर सजाएं और ये माफी। अब मुझसे पूछो क्या जिंदगी है, जिस पे जीने की वजह भी है ना बाकी। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your kitna? Blue eyes fade to grey. Tujhe kitna chahiye? You fade away. Full night. Aajai. Bad. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. Arre Vishal, kya baat hai itne dinon ke baad. Haan yaar. Aur bata, sab badhiya? सब बढ़िया। वैसे इतने दिन हो गए तूने मुझसे किसी पार्टी का जिक्र नहीं किया। अबे यार मैं तुझे क्या बताता, मैं खुद ही नहीं जा रहा आजकल कहीं। यार काम से फ्री होने के बाद ना घर जाने की जल्दी होती है, और वैसे भी नाइट में पार्टी करना बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है यार, इसलिए रात को घर जाता हूँ और गेम वेम खेल के सो जाता हूँ। अच्छा, लेकिन जब तू डेली प्राइजेस और लाखों में मनी अर्न करेगा तब तो पार्टी देगा ना। हाँ लेकिन वो कैसे? zoopy.com से। तूने नहीं सुना क्या भाई, तू यहाँ 1 रुपए से खेलना शुरू कर सकता है। रुक मैं दिखाता हूँ। ये देख, ये है इंडिया का अपना गेम। इसे तू मेरे डिस्क्रिप्शन से या zoopy.com से भी डाउनलोड कर सकता है, और साइन अप करने पे तेरे को मिलेगा 10 रुपए का बोनस। क्या बात कर रहा है भाई, यार थोड़ा और कुछ बता इसके बारे में। हाँ, यहाँ पर ना तू अपनी स्किल से 10 मिनट वाली लूडो, स्नेक्स, लैडर जैसे कैजुअल गेम खेल के लाखों में विन कर सकता है। और तुझे पता है यहाँ पर ना 7 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स भी हैं। पर मुझे मेरा विनिंग अमाउंट कैसे मिलेगा? सिंपल, UPI के थ्रू इंस्टेंट विड्रॉल कर सकता है इजीली सीधा अपने बैंक अकाउंट में, और ये ना 100% सेफ एंड सिक्योर है, और साथ ही साथ TDS एंड GST का कैशबैक भी मिलता है। गजब भाई, मैं अभी से डाउनलोड करता हूँ। कर ले कर ले। और सुन, आज की पार्टी मेरी तरफ से। क्या बात कर रहा है, ये हुई ना बात। चले चल। गेट बंद कर देना। ये बंदे है तेरे? अबे साले, जब इतनी सुंदर बंदी है तो तुम मुझे क्यों लेकर आया फिर? तुम लड़कों की जात होती ही कुत्ती है साली। तुम लड़कों को बस बिस्तर गर्म करने का शौक होता है। तुझे ना पैसे देकर लेकर आया हूँ,
तो फालतू की बकचोदी मत कर। देख मत कर ये सब, तेरी बंदी को पता चल जाएगा तो टूट जाएगी बेचारी। एक लड़की हूँ, लड़की का दर्द समझ सकती हूँ, इसलिए समझा रही हूँ, मत दे धोखा उसे। किसको ले आया मैं? तू ना अपने काम में बहुत अनप्रोफेशनल है, और ये जो तू ज्ञान की बातें कर रही है ना, तेरे मुंह से बिल्कुल भी नहीं जच रही। हाँ हूँ मैं अपने काम में अनप्रोफेशनल, मेरी मजबूरी है ये सब करना। तेरी क्या मजबूरी है जो तू अपनी बंदे को धोखा दे रहा है? धोखा मैंने नहीं, उसने मुझे दिया है। कहाँ रह गई यार ये? Shit. Hello baby. Hi. यार I'm so sorry, मैं ना आने में थोड़ा लेट हो गई। अरे कोई बात नहीं। मैं नहीं, झूठ बोल रहे हो ना, इधर आओ, हाँ करना। तुम नहीं सुधरोगे ना, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला सिगरेट मत पिया करो, पर तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो, तुम मेरी कोई बात नहीं मानते हो। अरे यार अकेले खड़े खड़े बोर हो रहा था मैं, सोचा जब तक तुम नहीं आ रही हो तो एक पी लेता हूँ, इस बहाने टाइम पास भी हो जाएगा। तुम्हें हर चीज टाइम पास ही लगती है ना, अगर तुम्हें टाइम पास करना हो तो मुझे कॉल कर लेते। अच्छा बाबा ठीक है, अगली बार से नहीं पीऊंगा, और मेरा पीने का मन करेगा ना तो तुम्हें फोन कर लूंगा, ठीक है? पक्का पक्का। वैसे कौन सी मूवी देखने जा रहे हो? वो रणबीर कपूर की एनिमल। हाँ मैंने उसका ट्रेलर देखा था, बड़ा मस्त था। रणबीर कपूर तो तुम्हारा फेवरेट एक्टर है ना? बचपन से आई एम बिग फैन ऑफ हिम, और ये जो मैं तुम्हारे सामने थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेता हूँ ना, ये सब मैं रणबीर से ही सीखा हूँ। किसका फोन था? बुआ का कॉल था। तो उठा लो ना। अरे वो इतनी लंबी बात करेंगे, हमारी सारी मूवी निकल जाएगी ना, तो मैं घर जाकर उनसे बात कर लूंगी। ठीक है, मैं क्या सोच रहा था मूवी के बाद ना कहीं कुछ खाने भी चलेंगे। हाँ। उठा लो ना अगर बुआ का फोन है तो। नहीं मैं बाद में कर लूंगी बात। अरे बार बार फोन कर रही है, क्या पता कोई इम्पोर्टेंट बात हो, उठा लो। हाँ मैं ना 2 मिनट में आती हूँ, बस बात करके। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। क्या है तू मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहा है? क्योंकि तू मेरा फोन नहीं उठा रही है इसलिए। कहाँ पर है तू? मुझे तुझसे मिलना है। देख मैं ना तुझसे बाद में मिलती हूँ, अभी अनिकेत के साथ बाहर आई हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तू किसके साथ भी हो, मुझे मिलना है तो मिलना है, वरना देख मैं वहाँ पर आ जाऊंगा और अनिकेत को सब कुछ सच बता दूंगा हम दोनों के बारे में। देख तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं ये तू बहुत अच्छे से जान, इसलिए चुपचाप मुझसे मिलने आ जा, समझी? ठीक है आती हूँ। गुड, मैं लोकेशन व्हाट्सएप कर रहा हूँ, जल्दी से वहां पे पहुंच। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? क्या बोला बुआ जी ने? कुछ ठीक नहीं है निकेत। क्यों क्या हुआ? अभी मुझे जाना होगा, मैं तुमसे बाद में मिलूं। लेकिन मूवी वो तुम देख लो, बट मुझे जाना पड़ेगा। मानसी सब ठीक तो है ना, मतलब ऐसे अचानक से? हाँ वैसे तो सब ठीक है, बट अभी मेरे को जाना होगा निकेत। I'm so sorry, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। अरे लेकिन रुको, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। कोई बात नहीं मैं चली जाऊंगी, मैं ऑटो ले लूंगी। Thank you.
मानसी। ये तो बोल रही थी कि बुआ जी का कॉल है, उनके पास जाना है। मानसी तुम आ गई। मानसी ऐसे मुझे कब तक मिलने बुलाना पड़ेगा तुम्हें? तू अनिकेत से ब्रेकअप क्यों नहीं करती? ब्रेकअप? यार मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। मानसी आई लव यू। लेकिन एक मिनट, मानसी ने तेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे क्या पता, वो तो यही जाने। फिर तो तुझे बहुत गुस्सा आया होगा ये सब देखने के बाद। तूने क्या किया, उस लड़के को जाके मारा या फिर उन दोनों से बात करी? जब उस लड़के ने मानसी को आई लव यू बोला ना, तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मानसी के मुंह से किसी और को आई लव यू टू बोलते हुए सुनूं। इसलिए मैं वहां से चला गया। फिर तुम लोग दोबारा मिले या नहीं? मिले, अगले दिन। बाय द वे अनिकेत, उस दिन मूवी कैसी थी? मूवी? कौन सी मूवी? एनिमल, जो हम साथ देखने वाले थे। वो मैंने देखी ही नहीं। क्यों? क्योंकि मूवी हम साथ में देखने वाले थे, फिर तुम अचानक चली गई, तो मैं अकेले देखकर क्या ही करता। I'm really sorry अनिकेत उस दिन के लिए, बट उसमें तो तुम्हारा फेवरेट एक्टर था, फिर भी तुमने नहीं देखी। अब छोड़ो, जाने दो वो सब। तुम ये बताओ, उस दिन बुआ तुम्हें बार बार कॉल क्यों कर रही थी? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, उनका कुछ पर्सनल इशू था, वो हो गया सॉर्ट आउट। ठीक है। मानसी? हाँ? कोई बात है क्या? कोई बात मतलब? मतलब अगर कोई बात है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। नहीं नहीं अनिकेत, कोई बात नहीं है, वो सॉर्ट आउट हो गया, वो कुछ पर्सनल इशू था, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, चले फिर, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ। अगर तू मानसी से मिला था तो पूछा क्यों नहीं वो लड़का कौन है और तुझसे क्यों ब्रेकअप करना चाहती थी उसके चक्कर में? क्लियर करता ना ये सब। क्लियर? क्लियर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं देखना चाहता था मानसी ने जो मुझसे वादे किए वो उनको किस कदर तोड़ती है। फिर आगे क्या हुआ? फिर वही, धीरे धीरे उसने मुझसे दूरियां बना ली, मिलना कम हो गया, बातें कम होने लगी और झगड़े ज्यादा होने लग गए। नहीं होता मुझसे अब और बर्दाश्त, घुटन होती है मुझे तुम्हारे साथ, और ना तुमने मुझे कभी समझाई नहीं। अबे कितना समझूं मैं तुझे, तू ना सेल्फिश है मानसी, हमेशा अपनी खुशियों के बारे में सोचती है, हमेशा अपने बारे में सोचती है। तूने कभी मेरे बारे में जानने की कोशिश की कि मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ? अनिकेत अब ना पहले जैसा कुछ नहीं रहा है, सब बदल गया है, और जो प्यार था ना हमारे बीच में सब खत्म हो गया है। हाँ सब कुछ बदल चुका है क्योंकि तेरी वजह से। आज अगर हम दोनों के बीच में लड़ाई हो रही ना तो वो भी तेरी वजह से, और आज हमारे बीच में प्यार नहीं रहा ना तो वो भी तेरी वजह से, और ये सब जो आज हो रहा है ना वो भी सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। देखो अनिकेत, मुझे नहीं लगता हमारे बीच में कुछ भी सही चल रहा है, और मुझसे नहीं होता ये सब, और सो I think हम लोगों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। बस यही तो सुनना चाहता था मैं तुम्हारे मुंह से इतने दिनों से। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं, मैं चूतिया हूँ? अरे समझ तो मैं उसी दिन ही आता जब तुमने मूवी का प्लान कैंसिल किया था बुआ का बहाना बनाकर। उस दिन मैंने तुम्हारा पीछा किया था, और तुम बुआ के पास नहीं अपने दोस्त से मिलने गई थी, और जब मैंने तुम दोनों को साथ में देखा ना मैं समझ चुका था कि अब हम दोनों ज्यादा दिन के लिए साथ नहीं है। चाहता तो मैं बहुत पहले ही सब कुछ क्लियर कर लेता, पर मैं देखना चाह रहा था कि तुम जैसी लड़कियां हम लड़कों का कैसे चूतिया काटती है, मतलब कैसे हमको पागल बनाती है और फिर उल्टा हमें ही ब्लेम करती है। कमी क्या थी मेरे प्यार में जो मैं पूरी नहीं कर पाया, और वो साला पूरी कर रहा है। बोलो, है कुछ तुम्हारे पास बोलने के लिए? है कोई जवाब? अब सब तुमको सब पता ही लग गया है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ। कैसे भूलूं तेरे वादे और बातें तुझसे जुड़ी, तू ही धड़कन मेरी, फिर कैसे बेवफा हुई तुझे भुला।
फिर मालवीय नगर से मैंने तुझे उठाया और यहाँ ले आया। तो अब बता, कौन है धोखेबाज, किसने दिया धोखा? देख, तेरे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तेरा दिल टूटने के बाद तू मुझे क्यों यहाँ पर लेकर आया, मूव ऑन करने के लिए? नहीं, मैं तेरे साथ कुछ नहीं करना चाहता। मैं तुझे इसलिए लेकर आया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि जिससे तुम प्यार करते हो, अगर उसकी जगह किसी और को दे दो तो कैसा लगता है। लेकिन मेरे लिए इतना आसान नहीं था जितना मानसी के लिए था। मानसी, मानसी रुको, तो मानसी जैसा तुमने देखा वैसा कुछ भी नहीं है, पहले मेरी पूरी बात सुन तो लो। अंकित, अगर मुझे कोई और बोलता ना तो शायद मैं विश्वास ना करती, पर सब मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। मानसी, तुमने सब कुछ देखा जरूर है, पर जो हमेशा दिखता है वो सच नहीं होता, और जो कुछ भी तुम सोच रही हो वो सच नहीं है, और ये तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, ट्रस्ट मी। प्लीज तुम दोनों आपस में बात करके चीजें ठीक कर लो, और हाँ, साथ में अच्छे लगते हो तुम दोनों। कल अनिकेत, तुमने मुझे इतनी सारी बातें सुना दी, पर तुमने एक बार भी जानने की कोशिश करी कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, मेरी क्या वजह हो सकती है? मानसी, जब मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख ही लिया था तो फिर मैं क्या जानने की कोशिश करता? बस यही तो फर्क है ना तुम में और मुझ में। मतलब? मतलब कि देख तो मैंने भी बहुत कुछ लिया आज, पर फिर भी मैं तुम पे विश्वास कर रही हूँ ना। मानसी, तुम क्या कहना चाहती हो, प्लीज मुझे साफ साफ शब्दों में समझाओगी, क्योंकि तुम क्या बातें कर रही हो मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब आधी अधूरी बात सुनोगे तो क्या समझ में आएगा तुम्हें? पहले तो मैंने सोचा था मैं कुछ नहीं बताती हूँ तुम्हें, पर दिल नहीं माना ना, इसलिए सारी बात क्लियर करने आ गई। उस दिन जो तुमने देखा वो सच नहीं था अनिकेत। मानसी, तुम आ गई। मानसी, ऐसे मुझे कब तक मिलने बुलाना पड़ेगा तुम्हें? तू अनिकेत से ब्रेकअप क्यों नहीं करती यार? मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। मानसी, आई लव यू। रोहन, तू पागल है क्या? तू क्यों कर रहा है मेरे साथ ये सब? मत कर प्लीज। मैं अनिकेत से प्यार करती हूँ, उसको नहीं छोड़ सकती। अच्छा, तो तू अनिकेत को नहीं छोड़ सकती है ना? कोई नहीं, मैं फिर उसको वो वीडियो दिखा देता हूँ, उसके बाद तो वो खुद ही छोड़ देगा ना तुझे। वीडियो? कौन से वीडियो? अनिकेत, वो ना, मैं डर गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं तुम्हें कैसे बताऊं। जिसके साथ तुमने मुझे देखा था वो मेरा स्कूल फ्रेंड था, रोहन। हम स्कूल में बहुत अच्छे दोस्त थे, फिर ऐसे ही एक दिन उसने मुझे अपने घर मिलने के लिए बुलाया, और फिर वहां अब तू मुझे बताएगा तूने मुझे बुलाया क्यों है? तूने कॉल पे भी नहीं बताया। यार, थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। और दरअसल बात यह है कि मैंने एक लड़की से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ यार, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे प्रपोज करूँ, कैसे अपने दिल की बात बताऊँ। यार, तू ही कुछ आइडिया देना। इतनी सी बात है तो उसके पास जा और उसको आई लव यू बोल दे। आई लव यू? रोहन, तू पागल हो गया कि क्या क्या बोल रहा है? ऐसे ही बोल रहा है ना? अच्छा, तो तू एक्टिंग कर रहा था। अच्छा चल, ये सब छोड़, इस प्रॉब्लम का तो सलूशन निकल गया है। देख, मैं तेरे लिए जूस लाया हूँ, पहले ये एंजॉय कर। थैंक यू सो मच। घर तो बहुत अच्छा गया।
क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। पकड़ियो एक बारी। बस रुको। मैं भी देखता हूं तुम्हें मेरे होने से कौन रोकता है। फिर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा उस वीडियो के थ्रू। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं तुम्हें कैसे बताऊं। मैं बहुत डर गई थी कि अगर वो वीडियो बाहर आ गई तो मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। फिर मुझे जो जो सही लगा वो मैं करती गई। आई एम सॉरी अनिकेत, बट मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया अनिकेत। बस मानसी रो मत, संभालो अपने आप को। मानसी चुप हो जाओ। तुमको पता है क्या वो हरामजादा इस वक्त कहां मिलेगा? चलो मेरे साथ। रोहन, आज के बाद किसी लड़की के साथ ये काम करने से पहले ना 100 बार सोचेगा तू। चलो। न जाना चाहूं दूर, मैं रहना तेरे साथ मुझे तेरी ही बाहों में। न जीना मुझे तेरे बिना, चलना तेरे साथ मुझे तेरी ही राहों पे। न जाना चाहूं दूर, मैं रहना तेरे साथ मुझे तेरी ही बाहों में। न जीना मुझे तेरे बिना, चलना तेरे साथ मुझे तेरी ही राहों पे। So, hey guys, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और कमेंट करके बताना कि ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, स्टोरी लाइन कैसी लगी, डिफरेंट स्टोरी थी ना, मजा आया ना, तो प्लीज कमेंट करके जरूर जाना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो रेड बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और हाँ गाइस, जूपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में मैंने पिन कर रखा है, जाके डाउनलोड करो और जीतो ढेरों प्राइजेस। और बाकी मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आजकल भाई की रील मिलियंस में जा रही है। बाय।